फिल्म के स्टार्टिंग में हम एनी और उसकी बेटी मीका को अपने ही घर में ट्रैप्ड होते हुए देखते हैं, क्योंकि उनकी बेडरूम की सारे वॉल्स पे बाइबल की पेजेस लगी हुई होती हैं और क्राइस्ट के काफी सारे क्रॉस भी होते हैं। इसके अलावा भी वो रूम बहुत सारे मेडिसिन के पैकेट्स और सॉल्ट के बॉटल्स से भरी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है उनके घर में शायद कोई आत्मा जरूर है। एनी की बेटी बहुत बीमार होती है और उन दोनों को उस आत्मा से बचाने के लिए एनी ने अपने बेड के चारों तरफ सॉल्ट का एक सर्कल बना के रखी थी। पता चलता है ये सॉल्ट के सर्कल ही सिर्फ उनके पास उस आत्मा से बचने का रास्ता थी। मीका की तबीयत अचानक और भी खराब हो जाने से एनी वहाँ मेडिसिन ढूंढती है, लेकिन वो खत्म हो चुकी थी, तो उसे मेडिसिन लाने के लिए डाउनस्टेयर्स आना था, लेकिन मीका डर जाती है और मना करती है। एनी उसे वार्न करती है कि वो किसी भी हालत में उस सॉल्ट सर्कल के बाहर मत जाए। फिर वो हाथ में एक सॉल्ट के बॉटल लेके डाउनस्टेयर्स आने लगती है, लेकिन वो अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी हम एक ब्लैक डीमन को वहां देखते हैं। एनी जल्दी से अपने चारों ओर सॉल्ट के सर्कल बना लेती है। अब वो डीमन उस पे हमला करती है, लेकिन वो सॉल्ट के बैरियर के वजह से कुछ भी नहीं कर पाता और दूर जाके गिर जाता है, क्योंकि वो लोग मानते थे कि सॉल्ट के पास ऐसी पावर है जिसे सॉल्ट को वो लोग गोस्ट डीमन से बचने के लिए यूज कर सकते हैं और डीमंस सॉल्ट के बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। उसी मौके पे एनी वहाँ से दूसरे रूम में भागती है। डीमन वहाँ भी आने लगता है तो वो रूम की डोर बंद कर देती है। थोड़ी ही देर में डीमन दरवाजा तोड़ के अंदर आता है, लेकिन एनी डोर के पीछे छुपी हुई थी। वो डीमन के चारों ओर सॉल्ट का सर्कल बना देती है, जिसे वो डीमन अंदर कैद हो जाता है। अब एनी वहाँ से मेडिसिन लेने लगती है, लेकिन डीमन भी काफी चालाक थी। वो अपने पावर से लाइट्स फ्लिकर करता है और एक टेबल फैन अपने आप नीचे गिर के ऑन हो जाता है, जिससे डीमन का चारों ओर सॉल्ट का सर्कल बिखेरने लगती है। तब डीमन वहां से फ्री होके गायब हो जाता है। अब एनी जल्दी मेडिसिन लेके बेडरूम आती है और देखती है मीका की हालत और बिगड़ गई है, तो एनी जल्दी से मीका को लेके बाहर कार के पास आती है। हम देखते हैं कार के चारों ओर भी उसने सॉल्ट सर्कल बना के रखी हुई थी। अब कार स्टार्ट नहीं होती और थोड़ी देर में वहाँ बारिश होने लगती है, जिसे वो सॉल्ट सर्कल डिसॉल्व होते होते पूरी तरह पिघल जाती है, यानी वो डीमन ये सब कर रहा था। तभी उसी मौके पे वो डीमन एनी के कार पे हमला करता है। तो आखिर कब तक एनी बस उस सॉल्ट के सर्कल बना के डीमन को रोक सकती थी? ये पॉसिबल नहीं था। और अब डीमन ट्रिक्स यूज करके दोनों पे हमला कर पाता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।